Hello lovely people, this is your friend Ronita and welcome back to my channel Ministry of Happiness. फेस्टिव इंट्रो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ होम डेकोर एंड डीआईवाई रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम द सीरीज दिल के दरवाजे खोलकर। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि टेक्सचर पेंटिंग क्या होती है और कुछ डीआईवाईज कुछ प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर। चलिए आपको बताती हूँ टेक्सचर पेंटिंग क्या होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक जो प्रोफेशनल होता है और दूसरा जो डीआईवाई में यूज किया जाता है। प्रोफेशनल टेक्सचर पेंटिंग मैं आपको नहीं दिखा सकती कि क्योंकि मैं उनमें से एक नहीं हूँ, और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है डीआईवाई में इस्तेमाल किया जाने वाला टेक्सचर पेंट। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने डीआईवाई करते करते सीखा है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टेक्सचर पेस्ट एक ऐसा कलर पेस्ट होता है या फिर व्हाइट पेस्ट भी बोल सकते हैं, जिससे आप 3D स्ट्रक्चर इन पेंटिंग यूज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो कुछ इस तरह है। टेक्सचर पेस्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड व्हाइट ग्लू और जो भी कलर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें मैं कोई रेशियो नहीं मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं रेशियो मेंशन करूँगी ट्रस्ट मी गाइस आपको वो एग्जैक्ट टेक्सचर नहीं मिलेगा जो मैं आपको दिलाना चाहती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाते रहिए और इसको मिक्स करते रहिए। मैं आपको बताऊँगी किस स्टेज पे आके आपको रुकना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था जेसो पेस्ट बनाना, पर देयर इज अ डिफरेंस, और डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इसके टेक्सचर में। जैसो काफ़ी रनी होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, बल्कि टेक्सचर पेस्ट काफ़ी थिक होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनिशियली मैं इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही ग्लू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको वो टेक्सचर नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको एक ऐसे टेक्सचर पे लेके आना है जहाँ से आप इसे क्ले की तरह का फॉर्म दे सकते हैं। ये अभी भी स्टिकी है, मतलब दिस इज नॉट द टेक्सचर। आपको इससे भी काफ़ी थिक टेक्सचर में लेके आना है, पर इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें इसको मिक्स करते रहना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो वाइट ग्लू है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिक्स हो चुकी है, पर दिस टेक्सचर इज नॉट द वन दैट वी आर लुकिंग फॉर। दिस हैज टू बी समथिंग मोर थिक। सो इसमें मैं अब थोड़ा थोड़ा करके प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड करती रहूँगी जब तक मुझे डिजायर्ड टेक्सचर नहीं मिल जाता। वैसे दोस्तों, आप में से जिन्होंने जेसो पेस्ट मेकिंग प्रोसेस नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर डाल देती हूँ, आप झट से जाकर उसे देख सकते हैं। आप इसको बनाते वक्त बीच बीच में टच करते रहिए ताकि आपको टेक्सचर का थिकनेस पता चले। ये पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके रीजन में बता देती हूँ। जनरली इसको यूज करने के लिए आपको चाहिए एक स्टेंसिल। मैं स्टेंसिल के साथ ही इसका काम करती हूँ। अगर आप फ्री हैंड कर सकते हैं तो दैट्स रियली गुड, बट मैं पर्सनली फ्री हैंड करना प्रेफर नहीं करती। तो उस दौरान जब आप स्टेंसिल पे इस पेस्ट को डालेंगे, अगर वो जितना रनी होगा ना तो वो स्टेंसिल के डिज़ाइन के बाहर चला जाएगा और आपका डिज़ाइन उतना उभर के नहीं आएगा, वो फैला हुआ डिज़ाइन आएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो पर रनी भी ना हो, बीच का एक कंसिस्टेंसी हो। अब इसमें हम पेंट या जो भी कलर का आप टेक्सचर बनाना चाहते हैं उसका स्टेन आप ऐड कर सकते हैं। अभी ये जो स्टेट है इससे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे रखेंगे तो ये गिरेगा नहीं, जैसा है उसी स्टेज में रहेगा। सो दिस इज अ टेक्सचर वी आर लुकिंग फॉर। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक टेक्सचर पेंट बना लिया है जो जिसपे मैंने पर्पल कलर ऐड किया है। अब इस टेक्सचर पेस्ट से मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसको यूज करके मैं कैसे डीआईवाई करने वाली हूँ।
इस DIY के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 ग्लास बॉटल, जिसपे मैंने ऑलरेडी बेस पेंट कर लिया है। बेस पेंट करने से पहले मैंने इन पे जेसो लगाया है। टेक्सचर पेस्ट को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 डिज़ाइंस के स्टेंसिल्स और एक वुडन स्टिक। सबसे पहले स्टेंसिल को मैं बॉटल के ऊपर प्लेस कर रही हूँ जहाँ पे मुझे डिज़ाइन चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इस पे दोनों साइड से या 4 जगह से सेलो टेप या मास्किंग टेप लगा के इसे फिक्स कर सकते हैं, बट आई डोंट नीड इट एज सच। मैं यहाँ से इस तरह से इसे पकड़ लूँगी और मैं इस पे टेक्सचर पेस्ट डालना स्टार्ट करूँगी। टेक्सचर पेस्ट अगर आप चाहे तो एक स्पैचुला के हेल्प से भी यूज़ लगा सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट नीड इट। मैं हाथ से ही काम चला लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरे बॉटल पे जहाँ पे स्टेंसिल को इस्तेमाल करके पेस्ट लगाना था वो लगा लिया है। अब धीरे से स्टेंसिल को हम निकालेंगे। सो डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ चुका है। कहीं कहीं पे डिज़ाइन थोड़ा सा जैसे यहाँ और यहाँ पे नहीं आया है। आप चाहे तो एक और बार स्टेंसिल को लगा के इसके ऊपर रिटच कर सकते हैं। अब इसे 15-20 मिनट के लिए हम सूखने के लिए रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सेम पैटर्न को सेम स्टेंसिल से एक दूसरे बॉटल पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने बार्निश भी कर लिया है ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए इस पे और कोई किसी तरह का दाग धब्बा या किसी तरह से ये ख़राब ना हो जाए। इस पे मैंने मॉट पॉच का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो बार्निश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक और प्रोडक्ट पे किया है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे आप किस तरह से सजाएंगे उसका भी मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी मेरे आने वाले मेकओवर वीडियोस में। एक और मैं बॉटल दिखा देती हूँ। इस पे मैंने एक पेजली वाला डिज़ाइन इम्प्रिंट किया है जो मैंने इस स्टेंसिल की मदद से किया हुआ है, और इस पे जो मैंने सीलिंग की है वो मैंने बार्निश से किया हुआ है। इस पे मैंने मॉड पॉज इस्तेमाल नहीं किया है। सो आप दोनों चीज़ें ही देख सकते हैं। दोनों में इसमें शायद थोड़ा सा आपको एक शाइनी सा इफेक्ट मिले, इसमें नहीं मिलेगा। इट्स लाइक वेरी मच मैट, पर दोनों से ही आपका सीलिंग का काम हो जाएगा। बट आई वुड से अगर आप इस तरह के बॉटल में पीने का पानी भरना चाहते हैं तो उस पर आप बार्निश का इस्तेमाल मत कीजिए। इट्स अ बिट हार्मफुल फॉर यू। आप उस पर मॉड पॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसे बॉटल्स को सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज़ में यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पर आप एक फूल लगाना चाहते हैं या एनीथिंग लाइक दैट, तो आप बार्निश आराम से यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर बार्निश इज मच मोर लॉन्ग लास्टिंग दैन मॉड पॉज। तो ये था दोनों डिज़ाइन एंड दोनों तरह से सीलिंग का प्रोसेस। आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए दिखाती हूँ आपको एक और बार फिर से कुछ प्लास्टिक बॉटल के रीयूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आधा कटा हुआ बॉटल, एक प्लास्टिक का कप, एक और आधा कटा हुआ बॉटल और एक नीचे से आधा कटा हुआ बॉटल जिसे मैंने एक पर्टिकुलर शेप में काट लिया है। वैसे तो ये सारे बॉटल पड़े रहते हैं और फिर चले जाते हैं डस्टबिन में, फाइनली चले जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में और जाके बहुत ज़्यादा हार्म करती है हमारे एनवायरनमेंट को। सो बेटर है अगर हम अपने ही घर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से रीयूज़ कर सकें। ये एक फिनाइल का बॉटल था जिसके नीचे के पार्ट को काट के मैंने ऑलरेडी उसमें पेड़ लगा दिया है। ऊपर के पार्ट को मैंने काट लिया है, उसमें मैंने जेसो भी लगा लिया है ताकि मेरा बेस कोट रेडी हो जाए। इस पर आप देख सकते हैं मैंने 4 होल कर रखे हैं क्योंकि मैं इसे हैंगिंग प्लांटर में ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ, और नीचे से ड्रेनेज के लिए भी मैंने होल कर लिए हैं। दूसरा है ये कर्ट का कप जो प्लास्टिक का ही था, इसको भी मैंने पेंट कर लिया है और अगर आप देखेंगे तो इस पर मैंने डिज़ाइन भी मेरा बना लिया है। साथ ही मैंने इसमें होल कर लिया है ताकि इसको भी मैं हैंगिंग प्लांटर के हिसाब से यूज़ कर सकूँ विथ ड्रेनेज होल्स। अगेन ये बॉटल तो आप जाना पहचाना ही होगा। इसके बीच के पार्ट को काट के फेंकना पड़ा बिकॉज यहाँ से जो मैंने डिज़ाइन किया था तो वो यूज़लेस ही था, वो मुझे फाइनली फेंकना ही पड़ा। ऊपर के पार्ट को मैंने फेंका नहीं, उसको अगर आप चाहे तो इस तरह से एक हैंगिंग प्लांटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर भी मैंने जेसो लगा के बेस पेंट कर लिया है, ऊपर से मैंने मेरा पैटर्न भी ड्रॉ कर लिया है। एंड ये सबसे क्यूट है, इसको नीचे से मैंने एक बनी के ईयर वाला शेप दिया है, रादर एक माउस के ईयर वाला शेप दिया है, और सामने मैंने ट्राई किया था पिकाचू बनाने का, पता नहीं पिकाचू बना है कि नहीं, और इसको मैं अब पेंट भी कर लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पेंटिंग का काम।
सबसे पहले आप इसको छूकर देख लें, अगर कोई रफ पार्टिकल्स आपको फील हो रहा है तो उसको आप सैंडपेपर की मदद से घिस लें। सैंडपेपर से घिस लेने से एक स्मूथ सरफेस बन जाता है और आपका पेंट एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप शुरू करते हैं इसको पेंट करने का काम। पेंटिंग का काम तो बहुत ही सूदिंग और कामिंग होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिएगा, अगर आप पेंट करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। तो हो चुका है पेंटिंग का काम खत्म, इसे मैं अब सूखने के लिए रख दूंगी और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले डब्बे पे। अब फैब्रिक कलर की मदद से मैं इस पिकाचू वाले पॉट को पेंट कर रही हूँ। इसको ना आप लोग ही बताइएगा कि मैं क्या नाम दूँ, बिकॉज आई एम वेरी श्योर ये पिकाचू तो बना है नहीं। पिकाचू तो नहीं, पर ये एक नॉटी सा माउस जरूर बन गया है। आप बताइएगा कि इसका नाम क्या रखूं। अब आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं इन दोनों के पेंटिंग का काम। तो ये सिंपल से फ्लोरल डिज़ाइन एंड प्लास्टिक कप्स एंड बॉटल्स पे बन चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, एक एथेनिक टच देते हैं आपके हाउस डेकोर में। और क्या बोलूँ मैं इसके अलावा। सो प्लास्टिक बॉटल के रीयूज़ भी हो गए, घर सजावट के सामान भी बन गए। आज मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स पे DIY किया है, मेरे आने वाले मेकओवर सीरीज एंड होम डेकोर एपिसोड्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि इन प्रोडक्ट का यूसेज किस तरह से मैंने किया है। सो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है टेक्सचर्ड पेंटिंग का तरीका और प्लास्टिक बॉटल को रीयूज़ करने का तरीका। लॉकडाउन के दिन गए भैया, अब तो आ गए हैं फेस्टिव सीजन, तो जल्दी से जाइए, देरी मत कीजिए, इन सारे DIYs को ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। बेकार में हम मॉल्स में क्यों जाए, शॉप्स में क्यों जाए, जाके इतने पैसे खर्च करके होम डेकोर आइटम क्यों खरीद के लाए, जब घर पे ही इतने सारे चीज़ें पड़े हुए हैं, इनको रीयूज़ करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग से सामान बनाते हैं हमारे घर को सजाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप पहली बार हैं मेरे चैनल पे। साथ ही मेरे पास ही पड़ा हुआ जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के आइडियाज़ आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।